जापान के पीएम का गोलगप्पा खाते हुए ये वीडियो तो आपने जरूर देखे ही होंगे, जिसमें फूफियो किशिदा बिना रुके एक के बाद एक गोलगप्पे का मजे ले। लेकिन क्या आपको पता है, जिन गोलगप्पों को देखकर हर किसी का मन भी डोल जाता है, उसका इतिहास महाभारत जितना ही पुराना है। खुद द्रौपदी ने भी पांडवों को गोलगप्पे परोसे थे। जी हाँ, आप ये सुन के चौंक उठे होंगे, लेकिन ये सच है। कहा जाता है कि नए नवेली दुल्हन द्रौपदी को उनकी सासू माँ कुंती ने चूल्हा छूने की रस्म में पहली बार रसोई में बची सब्जियां और थोड़ा सा आटा दिया था और कहा था कि अपने पोतियों के लिए कुछ बनाए, जिसके बाद द्रौपदी ने बची हुई सब्जियां और आटे से गोलगप्पे बनाए थे, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक तो थे ही, साथ ही सबका पेट भी भर गया। खोमचे पर पहुंचने वाले चाट के शौकीन लोगों का स्वागत भी गोलगप्पे से ही होता है, फिर उनकी खिदमत में चाट परोसी जाती है। बता दें कि चाट शब्द चाटने से बना है, जो कभी ढाक के पत्तों से बने दोने में खाई जाती थी। स्वाद ऐसा कि लोग दोने को उंगलियों से चाट कर खाया करते थे, यानी वो चाट ही क्या जिसे खाने के बाद प्लेट चाटने वाला चटोरा ना कहलाए। जानकर चाट को सेहत के लिए भी अच्छा जानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे शरीर को कई बार बहुत सारे मसाले चाहिए होते हैं, जैसे जीरा, अजवाइन और हींग, और चाट बनाने में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। हाजमा दुरुस्त करने के लिए भी लोग चाट खाते हैं। वहीं इसके अलावा चाट का इस्तेमाल पित्त और कफ के दोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।